हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आरजू और आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल अचरज गेम कॉर्नर में। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए सिंपल सा क्विक पंक्चुअलिटी गेम, जो कि हम सिर्फ ताश की गड्डी से खेलने वाले हैं। इसके अलावा आपको इसमें कोई भी ज़रूरत नहीं है और कोई भी प्रिपरेशन करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो गेम स्टार्ट करते हैं। गेम में आपको हर एक मेंबर को 5-5 कार्ड्स देने हैं। एक एक करके आप जाएंगे मेंबर के पास और उसको इस तरीके से 5 कार्ड्स देंगे, उसका गेम क्लीन हो जाएगा। उसके बाद आप फिर दूसरे मेंबर को 5 कार्ड्स देंगे। मैं अभी आपको बता देती हूँ कि कैसे पंक्चुअलिटी वनर निकलेगा। मैं आपको 4 प्लेयर्स में खेल के दिखाती हूँ, 3 में खेल के दिखाती हूँ। आपको करना क्या है, जो इसमें हमारा गुलाम होता है उसको हमें 11 पॉइंट्स मानते हैं, क्वीन को हम 12 पॉइंट्स मानते हैं, किंग को 13 पॉइंट्स मानते हैं। अब कैसे गेम खेलेंगे, मान लीजिए सबसे पहले इस मेंबर के पास आप गए और आपने इनको 5 कार्ड्स दे दिए। अब इनके 5 कार्ड्स में हमें देखना है कि सबसे छोटा कार्ड कौन सा है और सबसे बड़ा कार्ड कौन सा है। तो सबसे छोटा कार्ड है इनका 4 और सबसे बड़ा कार्ड है इनका 11। तो 11 और 4 तो इनका टोटल कितना हो जाता है, 15। मैं यहाँ पर इनका टोटल लिख लेती हूँ। यहाँ पे आ गया इनका 15, इनका हो गया स्कोर 15। ऐसे ही दूसरे मेंबर के पास जाएंगे, उनके कार्ड्स में देखेंगे, सबसे छोटा है 2 और सबसे बड़ा है क्यू यानी कि 12। तो 12 एंड 2 इक्वल टू 14, इनका स्कोर हो गया 14। अब इसकी बारी है, इनका सबसे छोटा नंबर है 2, सबसे बड़ा नंबर है 13 यानी कि 12 और 2 एंड 13 15, यानी कि यहाँ पर भी हमें एक टाई मिल गया है। इस तरीके से आप सारे मेंबर को 1 by 1 देंगे, सबका अलग अलग स्कोर आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी का स्कोर मैच भी हो जाता है, दो सेम स्कोर वाले आ जाते हैं, तो आप उन दोनों प्लेयर को दोबारा से कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करके दोबारा से उनका स्कोर निकाल सकते हैं, क्योंकि ये बहुत जल्दी से हो जाता है। तो ये था सिंपल सा गेम। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।